अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्टिक। पोटैटो स्टिक बनाने के लिए मैं आलू को ले लिया। आलू को मैं ग्रेट कर लूँगी। देखिए देखिए चॉपर की मदद से मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक, ऐसे करके मैं जितने भी पोटैटो है इसको मैं देखिए स्लाइस टाइप में। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक एक आलू को लेके करने के बाद मैं आपको फिर मिलूँगी। देखिए ये आलू के चिप्स को अपन अच्छे से रेडी कर लिए। ये चॉप की मदद से मैं पूरे आलू को ग्रेट कर ली। अब क्या करेंगे, एक एक आलू को चिप्स को लेंगे और देखिए स्टिक को लेंगे। स्टिक को लेके इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसा फोल्ड करके ऐसा इसमें डालते जाएंगे। ऐसे करके तमाम स्टिक अपन तैयार कर लेंगे। एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा इसको ऐसा करेंगे नीचे के साइड एक ऊपर के साइड। आप चाहे जैसा भी शेप देना चाहे दे सकते। ज़्यादा करीब करीब नहीं करना है, दूर दूर करना है। देखिए ऐसी बना के मैं और एक स्टिक तैयार करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होते। देखिए आप लोग बनाइए इफ्तार के लिए। मैं ऐसी करके पूरे तैयार कर लूँगी। देखिए हमारे स्टिक पूरे अच्छे से लगा लिए। अब इसमें लगाने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, मैं बटर रेडी करूँगी। बटर कैसा रेडी करना क्या है, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा फॉलो करिए, देखिए पूरा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है बताऊँगी। एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी को ऐड करेंगे। एक गिलास भर के पानी लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। देखिए मैदा है, ये मैदे को ऐड करूँगी। इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च, हल्दी और एक चम्मच नमक। काली मिर्ची ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी फूड कलर। देखिए ऑरेंज कलर जो मीठे में अपन यूज़ करते ना वो डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसका घोल अच्छे से चमचे की मदद से अच्छे से घोलेंगे इसको। इसमें डीप करते जाएंगे, अच्छे से डीप करेंगे। इस
इसमें नमक और मिर्ची का जो भी फ्लेवर है ना इसमें ऐड कर दिए ना, इसमें आना आलू के अंदर मिक्स होना बोल के, इसको थोड़ी देर तक ऐसे रखेंगे। कढ़ाई लेके कढ़ाई में तेल को ऐड करके गरम करके रख देंगे, और ये ज़्यादा देर तक नहीं रखना, ज़्यादा देर अगर रखे तो आलू का कलर छोड़ना, जो देखिए पानी में रखना रहता है इसको, पानी में नहीं रखे तो लाल हो जाते आलू। ऐसे करके मैं तमाम स्टिक को बैटर से मुकम्मल कर लूँगी। तेल ऐड कर ली मैं कढ़ाई में, तेल ऐड करने के बाद एक एक स्टिक को लूँगी और इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। एक साइड होने के बाद फिर एक साइड डालेंगे। ऐसे करके मैं पलटाते जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, ऐसे रखूंगी, फिर इसको पलटाऊंगी। देखिए ऐसे करके दो मिनट तक ऐसे रखेंगे, अच्छे से बन के रेडी है। देखिए हमारे स्टिक एक एक करके मैं पूरे फ्राई कर लूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। देखिए दूसरा बैच भी डाल दी मैं, इसको भी अच्छे से फ्राई कर ले लूँ मैं थोड़ी देर। देखिए 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर डाल के निकाल लेंगे। देखिए अपने स्टिक रेडी है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।